गुरु जी ने हमेशा बोला कि पॉजिटिव रहें। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो गुरु जी का जो भी आशीर्वाद, जो भी ब्लेसिंग्स हमारे तक आती है वो जल्दी आती है, और जल्दी हम हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी उसे पिक कर लेता है। अगर हम नेगेटिव होते हैं तो हमारी एनर्जी वो पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो गुरु जी के लिए भी ईजी हो जाता है जब हम पॉजिटिव होते हैं। संगत जी, जितने भी जैसी भी सरकमस्टांस हो, किसी भी लेवल की कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ प्रोसेस हमारे अंदर ही होता है। अपना माइंड हमेशा पॉजिटिव रहे रखें और सरकमस्टांस से निकलने के विकल्प सोचें, बजाय सरकमस्टांस के बीच में फंसे हुए उसी प्रॉब्लम को सोचते रहें, उसके बजाय आप हल ढूंढिए। और दूसरा नंबर, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। अपने सराउंडिंग्स में जितने नेगेटिव लोग हैं उनसे डिस्कनेक्ट रहिए, और जो लोग आपको आपकी एनर्जी ड्रेन आउट करते हैं उनसे दूर रहिए। जो आपको नेगेटिव बोल के जाते हैं उनसे दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों में रहिए, पॉजिटिव सुनिए, अपना माइंड बैलेंस्ड रखिए। किसी भी सरकमस्टांस पे अगर आपको एक सही डिसीजन लेना है तो जो आपको अच्छा लगता है, चाहे भगवान के भजन, गुरबानी, गुरबानी तो अमृत है, और या सॉन्ग्स, कुछ भी आप वो सुनिए। उससे सुनने से आपका एक माइंड नॉर्मल होगा। अगर आपको बहुत गुस्सा है, आप हाइपर हैं, आप नेगेटिव हैं, आप लो हैं, तो आप एक नॉर्मल लेवल में आएंगे। नॉर्मल लेवल में आने के बाद आप सही से डिसीशंस ले पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या सही है। और गुरुजी की गाइडेंस आपको टेलीपैथी के थ्रू, आपको ड्रीम्स के थ्रू और विजन के थ्रू भी मिलेगी। आप गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, और ईश्वर चाहे तो सूली से सूल बना देता है। सूली से सूल का मतलब है कि अगर हमारी ज़िंदगी में ये लिख दिया गया है कि इसको फांसी चढ़ा दो, तो भगवान चाहे, गुरुजी चाहे तो सिर्फ एक छोटी सी सुई चुभाकर भी हमारे इतने में सूली के बदले सिर्फ एक छोटा सा दर्द देके सुई के द्वारा काट सकते हैं। बस ईश्वर की छत्र छाया में, गुरुजी की छत्र छाया में अगर आप रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम जो भी आएगी 90% गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं और 10% संगत जी हमें भोगना होता है। ये गुरुजी की वो छतरी है कि संगत जी, जैसे बारिश आती है तो हम छतरी के नीचे आ जाते हैं, और जितनी मर्जी तेज बारिश हो, हमें कुछ बूंदे ही हमारे कपड़े गीले कर पाती हैं, 90% हम बच जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की छत्र छाया में आने के बाद आप 90% गुरु जी हमारे कर्मा सपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 10% हमें भोगने होते हैं संगत जी, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ गुरबानी सुन के, उनके सत्संग सुन के, उनका मंत्र जाप करके या बड़े मंदिर में विजिट करके आप क्योर हो सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें इतना इजी जिंदगी को आसान बना के जीने के लिए सिखा गया। और संगत जी, हो सके तो आप सबका भला करें। अगर आपको कोई गरीब दिखता है तो आप निष्काम भावना से, बिना दिखावे के, बिना शो ऑफ के, या बिना ये सोचे कि मैं किसी की मदद करूंगा तो मुझे मदद मिलेगी ऊपर वाले से, नहीं, निष्काम भावना से किसी गरीब का भला करें। किसी को खाना दे सकते हैं तो खाना दें, किसी का शादी करा सकते हैं, किसी बच्ची की, किसी की बेटी की, तो वो कराएं। किसी की मेडिकली आप हेल्प कर सकते हैं, किसी को कोई बीमारी है उसका इलाज करा सकते हैं तो वो आप कराएं। या जिस हिसाब से भगवान ने आपको बख्शा है उस हिसाब से आप जो कर सकते हैं वो करें। और हो सके तो अपनी डेली रूटीन में आप बर्ड्स के लिए खाना रखें, बर्ड्स के लिए सतनाजा या बाजरा, और उनके लिए जल रखें। डॉग्स को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके लिए आप ज़रूर 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 रोटी या दूध, जो आपको अफोर्ड आप कर सके वो ज़रूर दें। और गाय के लिए भी आप ज़रूर घर में से रोटी ज़रूर निकालें
और इस तरह से निकाले संगत जी कि ये एक काम नहीं है या मैं ये कर लूं तो मेरे ग्रह शांत हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना। निष्काम भावना से करना है, लाइफ लॉन्ग समझ के करना है, अपनी एक जिम्मेदारी समझ के करना है, क्योंकि गुरु जी हमारे बुलाने पे आते हैं, हमें बुलाना आता है क्योंकि हम इंसान रूपी हैं, हमें बोलना आता है, हमारी लैंग्वेज दुनिया समझ लेती है या हमारे माँ बाप समझ लेते हैं, ऊपर वाला समझ लेता है, लेकिन वो जानवर तो बेचारा चाह के भी हमें नहीं बता सकता कि वो भूखा है, वो तो चाह के भी हमें नहीं बता सकता कि वो उसे बीमारियां लगी हैं, वो तो चाह के पानी का एक बूंद भी नहीं पी सकता। तो संगत जी, भगवान की तो हर किसी को ज़रूरत है, इंसान हो या जानवर हो, बस कर्मों का फेर फेर है। संगत जी, हम इंसान बन के आए हैं, हमारे कुछ बहुत ऊँचे कर्म हैं, वो जानवर बन के आए हैं, उनसे कुछ ऐसे पाप ऐसी गलतियां हुई हैं। तो भगवान को जानवर भी पुकारता है अपनी लैंग्वेज में, भगवान को हम इंसान हैं हम भी पुकारते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो भगवान का आप एक सोल्जर बनिए, उनकी टीम बनिए। जब आप इन बेजुबान जानवरों को कुछ देते हैं तो उनकी दुआ लगती है, क्योंकि वो भी तो भगवान को बुला रहे हैं, और जानवरों के लिए तो हम भी भगवान जैसे ही हैं कि जब हम उन्हें कुछ खाने को ले दे देते हैं, और उनकी कोई डिमांड ही नहीं है, इससे ज़्यादा उनको लाइफ से कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ खाने को मिल जाए। तो ये भगवान की तरफ से एक जिम्मेदारी समझते हुए अपने आसपास किसी भी जानवर को देखें तो ज़रूर 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 अपनी पॉकेट के हिसाब से डेली रूटीन में उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दें। इससे आपका भी भला होगा, आपके कर्मा बैलेंस होंगे, आपके ग्रह शांत होंगे, आपके शनि शांत होंगे, और ऊपर वाले गुरु जी को, ईश्वर को भी आप खुश कर पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।